नमस्कार, स्वागत है आपका हेडलाइंस इंडिया पर। मैं हूं नवीन चौहान। बात बिहार की, क्योंकि बिहार में राजनीतिक तूफान लगातार उठ रहा है। बड़े बड़े हमले हो रहे हैं जो इससे पहले बहुत कम हुए। हालांकि बिहार की राजनीति अपने आप में दिलचस्प है, लेकिन लालू प्रसाद यादव के जेल जाने के बाद राजनीति का स्तर और ज्यादा तेज हो गया। सबसे बड़ी बात कि लालू तो जेल में हैं, लेकिन जेल से लालू ट्वीट भी करते हैं और जब बाहर आते हैं तो मीडिया उन्हें घेरता है तो बयान भी देते हैं। लेकिन इस बार बयान लालू ने नहीं दिया, बल्कि लालू के छोटे बेटे तेजस्वी यादव ने दिया है। तेजस्वी यादव ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने तो नीतीश कुमार पर अब तक का सबसे बड़ा हमला कर दिया। क्या कहा, जरा ये सुन लीजिए। हीरो मानती है, उनको निर्दोष मानती है, और देश की जनता ये जान रही है कि लालू जी को बीजेपी और आरएसएस के लोगों ने, और खास तौर पे सबसे अहम अगर किसी की भूमिका है तो नीतीश कुमार जी की है लालू जी को फंसाने। और जिस तरह से घोटाले पे घोटाला हो रहा है पूरे प्रदेश में, जिस हिसाब से मुख्यमंत्री नैतिक भ्रष्टाचार के बीच में पितामह, देखा, देख भी लिया होगा, समझ भी लिया होगा। लेकिन तेजस्वी यादव यही चुप नहीं हुए। भीष्म पितामह बोलने के बाद तेजस्वी यादव ने आगे क्या कह दिया, ये भी आपको दिखाएंगे। लेकिन इस बार बोलकर नहीं बल्कि लिखकर, क्योंकि तेजस्वी यादव की भड़ास जो थी वो बोलने से कम नहीं हुई, उन्होंने छाप दिया। और उस छपाई में क्या कुछ निकला, चलते हैं मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पर और बात करते हैं तेजस्वी यादव की छपाई की। ये देखिए, तेजस्वी यादव ने बड़ा हमला कर दिया है। साफ तौर पर उन्होंने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से कहा है कि नीतीश कुमार हत्या करेंगे और दूसरों का ध्यान भटकाने के लिए कहेंगे, अरे देखो लालू प्रसाद भ्रष्ट है। ये हमला नीतीश कुमार पर साफ तौर पर हुआ, यानी मुख्यमंत्री पर सीधा हमला तेजस्वी यादव का। और तेजस्वी यादव की इस बात का अब तक नीतीश ने कोई जवाब नहीं दिया। नीतीश कुमार खुद नैतिक और सामाजिक राजनीतिक भ्रष्टाचार के भीष्म पितामह हैं। इनका कोई स्टैंडर्ड है क्या? लालू यादव के सिवाय इनके पास बोलने के लिए कुछ है ही नहीं और ना ही बचा है। यानी स्पष्ट तौर पर तेजस्वी यादव ने पूरी तरह से मुखर होकर तल्ख लहजे में नीतीश कुमार को जवाब दिया है। जो पहली लाइन है वो बहुत कुछ कहती है, नीतीश कुमार हत्या करेंगे और दूसरों का ध्यान भटकाने के लिए कहेंगे कि लालू प्रसाद भ्रष्ट है। क्या नीतीश कुमार यही राजनीति कर रहे हैं? आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा कि नीतीश कुमार पर इस हमले का क्या मतलब समझते हैं आप। क्या वाकई नीतीश कुमार अब घिर चुके हैं? और जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने कहा है उस पर कोई प्रतिक्रिया नीतीश कुमार की सीधे तौर पर आएगी या फिर ऐसे ही चलता रहेगा? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा इस वीडियो पर कमेंट करके, और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब कीजिए, Facebook पर देख रहे हैं तो ऊपर फॉलो का बटन है उस पर क्लिक कर हमें फॉलो जरूर कीजिए, क्योंकि लगातार पल पल की अपडेट बिहार की राजनीति और देश भर की राजनीति की तो आपको मिलती ही रहेगी। नमस्कार। इस खबर में फिलहाल इतना ही, लेकिन आपको एक खबर अच्छी लगी तो इस खबर को लाइक कीजिए और चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। अभी क्लिक कीजिए चैनल के लोगो पे और सब्सक्राइब कीजिए हेडलाइंस इंडिया।